आज चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में न्यूट्रेला की सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए मैं एक कप न्यूट्रेला ली हूँ और इसे गर्म पानी को खौलते पानी में मैं इसे डाल दी हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। ये देखिए और अब मैं इधर कढ़ाई चढ़ाती हूँ फ्रेंड। और इसमें ये हमारे पास एक आलू है, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। इसे मैं बिल्कुल मटन स्टाइल बना रही हूँ। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप चिकन मटन खा रहे हैं या न्यूट्रेला की सब्जी खा रहे हैं। न्यूट्रेला में फुल ऑफ प्रोटीन होता है, ये बहुत फायदेमंद होती है। इसलिए मैं सोची कि चलो अपने व्यूअर्स के लिए आज मैं इसकी सब्जी बना दूं। तो मैं इसे अच्छे से और इसे भी मैं थोड़ा सा दोनों को साथ साथ में बना रही हूँ फ्रेंड। थोड़ा सा दोनों को मैं अच्छे से और ये हम एक प्याज एक टमाटर का पेस्ट बनाई हुई हूँ। ये थोड़ी सी दही है और इसी दही में मैं सारे मसाले को डालूंगी। इसके लिए देखिए ये मैं 2 चम्मच दही ली हूँ, 2 बड़े चम्मच है। इसमें मैं हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर सबको डाल के मैं अच्छे से पेस्ट बना देती हूँ। ये हमारा भून चुका है, अब मैं इसे इसी में निकाल देती हूँ। मैं एक आलू उबली हुई डाली हूँ, इससे जो इसका ग्रेवी बनता है उसमें थिकनेस आ जाता है। और अब मैं इसमें 2 मिर्ची लाल वाली, 1 दालचीनी, 2-4 दाने काली मिर्च के और 2 छोटी इलायची सबको मैं डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देती हूँ। नेक्स्ट मैं अपने ये प्याज टमाटर के पेस्ट को भी डाल देती हूँ। फुल फ्लेम से मैं बना रही हूँ फ्रेंड। थोड़ी सी हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और ये नमक ये गरम मसाला पाउडर सबको मैं डाल दूँ। मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी तो मैं इसे भी थोड़ी सी हींग हींग आप जब भी कुछ में डालें किसी भी रेसिपी में तो मसाला के बाद डालें। इसे प्याज वाल जब डाल दो फ्रेंड आप उसके बाद हींग को डालें। और अब मैं इसमें अपने मसाले को दही के साथ जो मैं पेस्ट बनाई है उसे भी डाल देती हूँ। सारे मसाले को मैं डाल दी और ये
ये गर्म पानी है, इसे मैं दही के साथ मसाले डालने से दही आपका कड़ल नहीं होता है। तो मैं जब भी दही डालती हूँ या तो दूध के साथ डालना हुआ तब डालती हूँ, या क्रीम के साथ डालती हूँ, या मसाले के साथ डालती हूँ। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें अपने से भी डाल के अच्छे से फिर भून लेती हूँ। थोड़ी सी नमक मैं इसमें और डाल देती हूँ। एक चम्मच में इसे घी डाल दी। तेल रिलीज होने पर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो देखिए अभी सरफेस में हमारा तेल आया नहीं है। नेक्स्ट मैं इसे मिर्च, हरी मिर्च को, हरी मिर्च डालने से भी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा होता है। मैं तो सारे सब्जी में, चिकन में, सब में मिर्च जरूर डालती हूँ, इससे सब्जी का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। देखिए मसाला हमारा भून रहा है तेल अभी, और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ कोई सब्जी तो गर्म पानी ही डालती हूँ, सोया वाले पानी को मैं इसमें डालती हूँ। मैं इसे कवर करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसे डिस आउट करूँगी। देखिए हमारा सब पक चुका है, ये देखिए कितना अच्छा से आलू भी पक गया है, ये भी हमारा पक चुका है। मैं इसे डाल के और अब मैं इसमें एक चम्मच भर के मटन मसाला डाल दी। और लास्ट में इसमें दो तीन ड्रॉप केवड़ा एसेंस। हमारी सब्जी देखा आपने कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई। अब मैं इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ फ्रेंड, और इसे डिस आउट कर देती हूँ। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल मटन की तरह स्मेल इसकी आ रही है। तो आप भी अपने किचन में इसे जरूर ट्राई करें।
और ऊपर से इसमें मैं धनिया पत्ता की गार्निश कर देती हूँ, एक हरी मिर्च से इसे। तो देखिए हमारी न्यूट्रिला की सब्ज़ी, आपने देखी मैं कितनी जल्दी और फटाफट इसे बना दी। तो आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें। आप इसे पराठा, पूड़ी, नान, चावल किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। थैंक यू, बाय बाय।